हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। गाइस आज की जो वीडियो है इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बीफॉर्म थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, तो उसमें एक टॉपिक है आपका बाइनरी सॉल्यूशन, जिसे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसे हम रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इन्हीं के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। और गाइस आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, कि जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं। तो गाइस आपको करना क्या है कि अपने एक नोटबुक लेके बैठना है, जिससे मैं आपको जो पॉइंट बताऊँ वो अपनी जो नोटबुक है उसमें साथ ही साथ लिखते रहना, ताकि आपको बाद में आसानी से याद हो जाए। तो देखिए बाइनरी सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जो दो सॉल्यूशन के मिक्सर से बने होते हैं, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो दो मिक्सरों के सॉल्यूशन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए आप ऐसे समझिए कि हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हमारे दो सॉल्वेंट हैं, जो फर्स्ट है वो है बाटर और जो सेकेंड है वो है मिल्क, और उसके बाद क्या किया कि हमने एक सॉल्यूट लिया जो हमारे पास शुगर है, और जो सॉल्यूट है उसको हमने ऐड किया सॉल्वेंट में, मतलब जो हमारा शुगर है उसको ऐड किया हमने बाटर में और मिल्क में, और जो हमारा अब थर्ड मतलब जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो हमारा टी बन जाएगा, मतलब चाय। देखिए आप सिंपल समझिए कि हमारे पास एक सॉल्यूट है शुगर और दो सॉल्वेंट हैं जो बाटर और मिल्क हैं। अगर हम शुगर को ऐड करेंगे, मतलब हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो हमारा टी बन जाएगा, दो तीसरा सॉल्यूशन होगा, जिसे हम बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल भी कह सकते हैं। तो बस गाइस आप यहाँ पे इतना याद कर लीजिएगा कि जब दो सॉल्वेंट के साथ हमारा सॉल्यूट मिल रहा है तो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। और गाइस ये जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं ये तीन तरह से हो सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट है वो है कम्प्लीटली मिसिबल, और जो सेकेंड है वो है पार्शियली मिसिबल, और जो थर्ड है वो है इनमिसिबल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कम्प्लीटली मिसिबल, कि जो कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं ये कौन से सॉल्यूशन होते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन है आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। तो देखिए जो कम्प्लीटली मिसिबल जो सॉल्यूशन होते हैं वे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे कम्प्लीटली मिसिबल में आते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है इसका अल्कोहल और वाटर। जब आप अल्कोहल में वाटर ऐड करेंगे तो वो पूरी तरह से उसमें मतलब डिजॉल्व हो जाएगा, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कहाँ वाटर है उसमें अल्कोहल में। और जो सेकंड है वो है पार्शियली मिसिबल। तो पार्शियली मिसिबल में ऐसे सॉल्यूशन ऐड होते हैं जो मतलब थोड़ा ही डिजॉल्व होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही डिजॉल्व हो पाते हैं। और गाइस जो हमारा अब थर्ड है वो है इनमिसिबल। तो इनमिसिबल में ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जो कभी भी आपस में मिल नहीं पाते, तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनमिसिबल में आते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है बाटर और ऑयल, जब हम ऑयल को ऐड करते हैं बाटर के साथ में वो उसमें कभी भी मतलब मिल नहीं पाता, या फिर हम कह सकते हैं उसमें कभी भी वो घुलता नहीं है, तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनमिसिबल में आते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका सेकंड वाला था पार्शियली मिसिबल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो एक बार हम इसकी एक डीपली स्टडी कर लेते हैं। तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए आपने एक कंटेनर लिया जिसमें दो कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपकी फिनॉल है और जो सेकंड वाला है उसमें आपका वाटर है। तो हम करेंगे कि जब इन कॉलमों को एक साथ में रखेंगे, या फिर कह सकते हैं कि हम जो फिनॉल को और वाटर को एक साथ ऐड करेंगे तीसरे कॉलम में, तो वो एक अलग से लेयर बना लेगा जिसे हम कंजुगेटेड लेयर कहते हैं। मतलब जब पार्शियली मिसिबल में दो सॉल्यूट आपस में मिलते हैं तो हमारी कंजुगेटेड लेयर बनती है। देखिए अब हम इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होगा। अगर हम इसे हीट प्रोवाइड कराएंगे, जब ये अच्छी तरह से हीट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो हमारी कंजुगेटेड लेयर है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारी कंजुगेटेड लेयर है वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगी, और जो ये सॉल्यूशन है दोनों ये आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये मतलब डिजॉल्व होते हैं आपस में, इनको हीट प्रोवाइड करानी होती है पहले। गाइस एक चीज़ और नोट कर लीजिए यहाँ पे, जब ये हमारा डिसअपेयर होता है तो उस समय हमारा जो टेम्परेचर होता है उसे हम कैरिटल टेम्परेचर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो कैरिटल टेम्परेचर सॉल्यूशन है ये भी अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना है। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में आदर्श सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आदर्श है, मतलब जो
ऐसे सॉल्यूशन जो सभी नियमों को फॉलो करते हैं या फिर कह सकते हैं जो सभी रूलों को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, जैसा कि आपके कोई स्कूल या फिर क्लास में कोई बच्चा है वो पूरी यूनिफॉर्म में आता है, डिसिप्लिन में रहता है, कॉलेज के या स्कूल के सभी नियमों को फॉलो करता है, तो जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं वो आते हैं हमारे आदर्श सॉल्यूशन यानी आइडियल सॉल्यूशन में। और जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जिसे हम रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो डिसिप्लिन में नहीं रहता है, ड्रेस में नहीं आता है या फिर अपने टीचरों की बात नहीं मानता है, तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं जिसे हम रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो बस आप यहाँ पर इतना समझिए, जो हमारे लोगों को फॉलो करता है वो आता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन में, और जो हमारे लोगों को फॉलो नहीं करता है वो आता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। मतलब यह है कि कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ गैस की वजह से प्रॉब्लम आती है। और जो सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन पाए जाते हैं वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पाए जाते हैं जिसे हम रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक लो है जिसे हम सॉल्यूशन ऑफ रोड लो भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारे रोड्स लो को फॉलो करता है वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और जो हमारे रोड्स लो को फॉलो नहीं करता है वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लो की, कि जो सॉल्यूशनों के लो हैं वो क्या हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट है वो है रोड्स लो। तो रोड्स लो को समझने से पहले हमें डाल्टन का नियम समझना होगा कि डाल्टन ने इस रूल्स के बारे में क्या बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाल्टन के नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कंटेनर लिया, मतलब कोई भी एक कंटेनर लिया और उसमें तीन प्रेशर जोड़ दिए, ए बी और सी, ये तीन प्रेशर हैं। और फिर उन्होंने बताया कि मतलब जो ये तीनों प्रेशर हैं इन तीनों प्रेशरों का टोटल प्रेशर और कंटेनर का प्रेशर बराबर होना चाहिए। मतलब जो ये कंटेनर है इसका जो प्रेशर है और वो तीनों का जो प्रेशर है वो बराबर होना चाहिए, तो हमारे जो लो हैं वो फॉलो करते हैं वरना फॉलो नहीं करते। देखिए आप सिंपल सा एक समझिए कि आपको 10 रुपये दिए आपके पिताजी ने और 10 दिए आपकी मम्मी जी ने और 10 रुपये दिए आपके ब्रदर ने, और अलग से जो फोर्थ पर्सन है आपकी सिस्टर उन्होंने आपको टोटली 30 रुपये दे दिए। जो आपके पापा और मम्मी और भाई ने रुपये दिए थे वो भी 30 हैं और जो आपकी सिस्टर ने दिए थे वो भी 30 हैं। मतलब यहाँ पे मेरा समझाने का यही है कि डाल्टन का यही कहना था कि मतलब जो टोटल प्रेशर है इन तीनों का, जो कंटेनर है इसमें जो तीनों प्रेशर रखे हैं इन तीनों प्रेशरों का टोटल प्रेशर बराबर होना चाहिए कंटेनर के प्रेशर के। मतलब सीधा समझिए जो डाल्टन का नियम है वो है कि जितना टोटल प्रेशर कंटेनर पर है और उसमें जो प्रेशर सॉल्यूशन है उस प्रेशर के बराबर होना चाहिए कंटेनर का प्रेशर, यही डाल्टन का नियम है। अगर ऐसा होता है तो हमारे जो लो हैं वो फॉलो होंगे, अगर नहीं होता तो हमारे जो लो हैं वो फॉलो नहीं हो पाएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं कि रोड्स लो की उन्होंने क्या बताया कि एक तो इस कंटेनर का खुद का प्रेशर जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, और एक उस पर मोल फ्लेक्शन का जो प्रेशर लग रहा है वो बराबर होना चाहिए। उन्होंने फिर इसके बाद एक समीकरण दी, मतलब वो बराबर होना चाहिए इस समीकरण के। जैसे हमारी 2, 4, 5, 3 संख्याएं हैं और हमें इसमें से 2 का प्रेशर निकालना है, तो 2/2 और जो ये फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए और जो डाल्टन का फॉर्मूला है वह है पी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो ये डाल्टन का फॉर्मूला है। और हम देखेंगे अब जो हमारा पार्श्ववली प्रेशर है वो क्या होता है, मतलब इसे एक तरह की पूरी समीकरण है वो मैं आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान से समझना। देखिए ये पार्श्ववलिक रिएक्शन है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें होता है क्या है कि जो पी ए होता है वो होता है हमारे बी ए और एक्स ए के बराबर, और जो पी बी होता है वो होता है बी बी और एक्स बी के बराबर, और जो पी सी होता है वो होता है बी सी और एक्स सी के बराबर। और यहाँ पे जो पी है ये पार्श्ववलिक फोर्स है, और जो बी है वो है वेपर प्रेशर, और जो एक्स है वो है मोल फ्लेक्शन। देखिए अगर हम इस वाली रिएक्शन को अगर हम डाल्टन के फॉर्मूल में ऐड कर दें तो हमारे पी ए बराबर क्या होगा, जो पी ए बराबर होगा वो है बी ए और एक्स ए प्लस बी बी और एक्स बी प्लस बी सी और एक्स सी, तो इसके बराबर हमारा जो पार्श्ववलिक फोर्स है वो हो जाएगा। तो आप एक बार इसे नोट कर लेना। तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला सा बन गया, पूरा डाल्टन का एक फॉर्मूला ऐड करने के बाद ये बना है। तो अब होगा क्या कि जो मतलब सॉल्यूशन इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करेगा तो वो तो आएगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन में, और जो इस वाले मतलब फॉर्मूले का फॉलो नहीं करेगा वो आएगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना। और गाइस आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।
और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।